आ जाओ। हाय भाईजान, भाभी, सलाम अलैकुम भाई। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। भाई, हाँ कहो। वो अनिका, अनिका जब अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो आप लोग क्यों जबरदस्ती उसे तलाक दिलवा रहे हैं? भाई, अपने शौहर के साथ रहने की ख्वाहिश करना, इसमें क्या बुरी बात है? सुल्ताना, शायद तुम ये भूल रही हो कि फातिमा भी मुताहिर की बीवी है। भाई, मेरी बेटी ने कब इस बात से इनकार किया है? तो सिर्फ अपना हक मांग रही है। किसी का हक छीन कर अपना हक मांगना, ये तरबियत कब दी है तुमने अपनी बेटी को? भाई, मैं ये नहीं कह रही अनिका ने ठीक किया, मैं उसकी हिमायत भी नहीं कर रही। आप जानते हैं मैंने उसे सजा दी है। भाभी, भाई, अगर पता है ने कहीं और निकाह किया होता तो आप लोग तब भी जाके उसके घर से तलाक दिलवाते। फिर वही बात सुल्ताना, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप लोग बात नहीं समझ रहे भाभी। भाई, आप लोग नहीं समझ रहे। अगर मुताहिर ने किसी और से निकाह किया होता तो क्या आप लोग तब भी जबरदस्ती ऐसे तलाक करवाते? नहीं ना, यतीम है ना मेरी अनिका, अपने बाप रही है, इसीलिए आप लोग मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए Thank you.